दोस्तों, मैं हूं अमन और आप सभी का स्वागत है अच्छे इलेक्ट्रिक में। आज की वीडियो में देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि जो टंकी होता है, पानी की टंकी होती है, उसमें ऑटो कट कैसे लगाएं। जैसे कि पानी भर जाता है तो पानी गिरता रहता है, और पानी भर जाए तो अपने आप मोटर बंद हो जाए, जिससे कि पानी फालतू ना गिरे। आज की वीडियो में हम लोग यही लगाएंगे, देखेंगे, समझेंगे किस तरह लगाया जाता है अच्छी तरीके से। ये हम लोगों का ऑटो कट है, हम लोग इसको ओपन करते हैं। ये हम लोग समरसेबुल में नहीं, सिर्फ आधे आज पावर के मोटर में यूज कर सकते हैं। इसको हम लोग ओपन करते हैं, इसमें देखते हैं क्या क्या है। इसमें इसका डायग्राम दिया है, कनेक्शन दिया है, इसके बारे में डिटेल दिया है। जिसको पढ़ना है पढ़ लेगा, हमको तो अंग्रेजी आता है। इसको साइड में करते हैं, इसको देखते हैं, निकालते हैं क्या है। ये सारा सिस्टम है और इसमें एक वेट दिया हुआ है। ये हम लोग आपको बता दें कैसे लगेगा, फिर इसको हम लोग फटाफट खोल लेते हैं। इसके बाद हम लोग को ये वेट है, वेट को इसमें वायर को इसमें डालना है। इधर से डाल सकते हैं इसको। डाल देंगे और इसके कनेक्शन में हम लोग को तीन वायर दिख रहा है, एक रेड है, एक ब्लैक है, एक ब्लू है। तो हम लोग ये जो ऑटो कट है, ये दो कंडीशन में काम करता है। एक आपका अगर पानी, आपका वाटर लेवल अगर डाउन हो जाता है तो ऑन हो सकता है, और या फिर ऊपर हो, आपका ओवर वाटर लेवल ऊपर हो जाए तो भी चालू हो सकता है। इसमें ये कनेक्शन दिया गया है, इसमें से चेक करना पड़ेगा कि नीचे जाने पे कौन सा काम कर रहा है और ऊपर जाने पे कौन सा काम हो रहा है। वाटर लेवल कम होने पे किस से ऑन ऑफ होगा, और वाटर लेवल बेसी होने पे ऑन ऑफ किस तरह होगा। तो हम लोगों को इसको कंटिन्यूटी से चेक करना पड़ेगा। तो हम लोग कंटिन्यूटी टेस्टर लेके इसको चलो सर, कंटिन्यूटी टेस्टर हम लोग ले लिए हैं। पहले इसको टेस्ट कर लेंगे, ये सही है कि नहीं सही है। के वायर को ले लेंगे ऑटो कट के, एक रेड वाले वायर में लगाएंगे और एक ब्लैक वाले में, और उठा के देखेंगे। ये देखिए कैसे काम करता है, कि इस तरह पानी में टंगा रहता है, ठीक है, और ये ऊपर जाता है तो ऑटो कट हो जाता है, और फिर नीचे जाता है तो मोटर ऑटो कट ऑन हो जाता है, मतलब मोटर को चालू कर देता है। तो हम लोग एक रेड वाले में लगाए हैं वायर सीरीज का, कंटिन्यूटी का, और एक ब्लैक वाले में लगाना है। देखिए हम लोगों का काम नहीं कर रहा है, जब ये हम लोग ऊपर ले रहे हैं तब ऑन हो रहा है, यानी कि ये वाटर लेवल जब आपका ऊपर होगा तो आपका मोटर ऑन होगा, बाकी जब कम होगा वाटर तो बंद हो जाएगा। अब एक येलो वाले को चेक करते हैं, ब्लू वाले को चेक करते हैं, सॉरी, इससे भी ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा है। तो एक कनेक्शन ब्लैक से चेक कर लेते हैं, एक वायर ब्लैक पे रहेगा और एक ब्लू पे चेक करते हैं। तो ये देखिए वाटर लेवल नीचे है तो ऑन है, वाटर लेवल ऊपर हो गया तो ऑफ हो गया। तो हम लोगों का कनेक्शन एक ब्लू पे रहेगा और एक ब्लैक पे रहेगा, बाकी ये रेड वाला वायर हम लोग कटिंग कर देंगे। आइए चलिए हम लोग इस ऑटो कट को हम लोग डंकनी में, यानी टंकी में लगा के आप लोगों को दिखाते हैं किस तरह। हम लोग का टंकी हम लोग को यहाँ पे इसमें इंस्टॉल करना है। तो हम लोग पहले इसके ढक्कन, इसका जो ढक्कन है इसको हम लोग ओपन कर लेंगे, और ओपन करने के बाद हम लोग इस ढक्कन के एकदम बीच सेंटर में होल करते हैं। चलिए होल करके दिखाते हैं इसको। हम लोग यहाँ पे सेंटर में ड्रिल करेंगे, हमारे पास इसमें ड्रिल मशीन है, आपके पास ड्रिल मशीन है, किसी भी तरह से या लाइटर लगा के इसको गर्म करके किसी चीज़ से इसको होल कर सकते हैं। बस हम लोग को जो हम लोग को बस ये वायर इसमें से क्रॉस करना है, नीचे से ऊपर का बस उसका ही होल करना है। फिर हम लोग फटाफट होल कर लेते हैं। आई रेच
छेद करते समय ये टूट गया क्योंकि ढक्कन बहुत धूप में रहते रहते सड़ गया है। ठीक है, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा इसको हीट करके छेदिएगा जिससे नहीं टूटेगा। अगर टूट जाता है तो जोगाड़ लगा देखिए, हम लोग जोगाड़ लगाए थोड़ा सा रफ्ती लेके फिर भी सेंटर में होल कर दिए हैं, यहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं इस तरह। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग सेट करेंगे इस वायर को, जो हम लोग काटो कट का वायर है उसको अंदर नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ डालेंगे। ये आपका जो ढक्कन है टंकी का ये टूट गया था, तो आप लोग कोशिश करिएगा कि ये टूटे नहीं, या फिर इसको थोड़ा सा हीट करके तब होल कीजिएगा। इसमें हम लोग जुगाड़ लगाए हैं, ये धप्ती लगाए हैं, और इसके जगह आप वाटर प्रूफ प्लाई लगा सकते हैं। अभी फिलहाल हम लोग यही लगा रहे हैं क्योंकि हम लोग पास है नहीं, बाद में ये लगा देंगे हम लोग। इसको यहाँ पे सेंटर में रख देंगे और ये जो ऑटो कट का वायर है इसको पीछे की तरफ से हम लोग ऊपर की तरफ डाल देंगे नीचे की तरफ से। ये फटाफट डालते हैं, तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं डाल दिए हैं। इसके बाद हम लोग चेक करेंगे ये कितने उससे रहेगा डाउन एरिया पे। इसको पहले हम टंकी के पास लेके जाएंगे और ऊपर एक काट मार देंगे यहाँ पे, ये चीज़ बाहर किस तरफ से निकले नहीं नीचे की तरफ। उसके बाद हम लोग चलते हैं इसको टंकी में लगाते हैं आपको। जैसा कि हम लोग टंकी के पास आ चुके हैं, देख रहे हैं हम लोग का यहाँ पे जो ओवरफ्लो वाला पाइप गया हुआ है, ये हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ से गया हुआ है। तो हम लोग जो ऑटो कट लगाएंगे यहाँ पे लगाया हुआ जो हम लोग ऑटो कट लगाएंगे, वो ऑटो कट जो उसका वेट है इससे थोड़ा सा डाउन रहेगा। ये जो है बाहर वाला वाइप जो ओवरफ्लो होता है पानी जाता है उससे थोड़ा सा वेट जो भारी वाला हिस्सा था थोड़ा सा इससे डाउन रहेगा, और बाकी थोड़ा सा वायर ऊपर रहेगा कि जब ओवरफ्लो पानी हो पानी ऊपर हो तो वो जो ऑटो कट है हम लोग का वो ओवरफ्लो से थोड़ा सा डाउन ये रहेगा, क्योंकि हम लोग का जब ये पोर्शन जो है ऑटो कट का सिस्टम जो ये ऊपर उठेगा वेट कितना आएगा तो ऑटो कट बंद हो जाएगा, मोटर बंद हो जाएगा, जिससे कि पानी ओवरफ्लो नहीं होगा हम लोग का। तो हम लोग लगभग हम लोग इसको सेट कर देते हैं, हम लोग नाप देते हैं इसी तरह थोड़ा सा साइड में रख के। हम लोग का लगभग सही है, अभी हम लोग का पानी देख रहे हैं कि भरा हुआ है, हम लोग इसमें डालते हैं और डाल के ढक्कन बंद करके हम लोग पहले इसको, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का पानी वाटर लेवल भरा हुआ है वहाँ पे है, तो हम लोग इसको देख रहे हैं। इस समय ये ऑटो कटेंगे, पहले हम लोग स्विच वायर से चेक कर ले रहे हैं, एक ब्लू पे रहेगा और एक ब्लैक पे रहेगा, ये रेड वाला वायर पे नहीं रहेगा। रेड वाला वायर इसलिए दिया है कि अगर आपका पानी डाउन होता है, पानी कम होता है, तो आपका मोटर ऑफ होगा और आपका वाटर लेवल अगर हाई होता है तो फिर ये मोटर को ऑन करने के लिए मोटर को ऑन करेगा ये वाला, और ये जो ब्लैक वाला है ब्लैक कॉमन है इसमें दोनों के लिए। और हम लोग का अगर सही काम करना है तो ब्लू लगाना पड़ेगा। ब्लू वाले कनेक्शन ये है कि वाटर लेवल आपका घटता है तो मोटर ऑन होगा, वाटर लेवल अगर बढ़ जाता है तो आपका मोटर ऑफ हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से रेड वाला जो है इसको हम लोग कट करके इसको निकाल देंगे। जैसा कि हम लोग निकाल दिए और हम लोग इसको चेक करेंगे कंटिन्यूटी से कि ये सही है कि नहीं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं हम लोग का पानी भरा हुआ है, ये बता नहीं रहा है, और सेटिंग थोड़ा सा और हम लोग को ऊपर करना पड़ेगा क्योंकि अभी पानी टंकी में बहुत लगभग बहुत ज़्यादा खाली है और हम लोग का उतना डाउन है, तो हम लोग पहले उसको ऊपर करके दिखाते हैं। कहाँ से बोल रहे हैं, देखिए हम लोग इसको ओवरफ्लो, जितना ओवरफ्लो पानी उतना पे आ रहा है तो ये ऑटो कट हो जा रहा है, और पानी कम होगा ये चीज़ डूबेगा तो ऑन हो जाएगा। देखिए जैसा कि हम लोग इस कंटिन्यूटी जलेगा, जैसे कि हम लोग इसको डाउन करते हैं, देखिए डाउन होता है पानी तो कंटिन्यूटी जलने लगा, कंटिन्यूटी जलने लगा यानी कि मोटर ऑन हो जाएगा। और इसको देखिए ऊपर करते हैं हम लोग ऑटो कट को, देखिए ओवरफ्लो की इतना आ गया तो हम लोगों का मोटर बंद हो जाएगा। अब हम लोग ढक्कन बंद कर देंगे और फिर यहाँ से दो वायर लेके जाएंगे मोटर के पास, दिखाते हैं आपको। ढक्कन को बंद कर देते हैं,
सकते हैं। रेड कलर का हमारे पास दोनों अवेलेबल है, तो हम लोग सिर्फ रेड कलर का ले सकते हैं। आपके पास रेड ब्लैक हो या किसी भी कलर का हो तो दो वायर लेना पड़ेगा। तो हम लोग ले लिए इसको, इस दोनों वायर को छील करके इस ऑटो कट वाले वायर में फटाफट जोड़ देते हैं। कोई वायर किसी में जोड़ सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जोड़ने के बाद इसको पहले अच्छी तरीके से जोड़ेंगे, उसके बाद फिर हम लोग टेपिंग कर देंगे अच्छी तरीके से, क्योंकि ये बाहर का ऊपरी हिस्सा है, बरसात होगी धूप होगा सभी सब कुछ इसको झेलना है। अच्छे स्टेपिंग कर देंगे, बाद इस वायर को भी जोड़ देंगे। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग जोड़ दिया दोनों वायर, अब इस वायर को जो है कि हम लोग मोटर के पास तक पहुंचाएंगे। चलिए फटाफट पहुंच सकते हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं वहाँ टंकी से हम लोग मोटर के वायर के पास तक हम लोग वायर ले आए हैं। अब इसी वायर में एक वायर कट करके ये दोनों वायर उसमें अप्लाई कर देना है, जोड़ देना है, फटाफट जोड़ देते हैं। मोटर का एक वायर कट करके कोई वायर किसी में जोड़ देंगे, कोई मुश्किल नहीं है। जोड़ने के बाद अच्छे से टेपिंग कर देंगे इलेक्ट्रिक टेप से। हमारे घर बैठ गए चुप रहोगे, दिखा नहीं रहा ना। हम आप लोगों को कनेक्शन समझा दें, जैसे कि मोटर यहाँ से उस बोर्ड से हम लोग मोटर का वायर लेके आए हैं, डायरेक्ट मोटर में कनेक्ट हुआ है, लेकिन उसके बीच ही में हम लोग एक वायर को ड्रॉप करके एक उसको एक जो उधर से बोर्ड की तरफ से आया है उसको ऊपर लेके चले गए हैं, ऑटो कट में जोड़ दिए हैं। ऊपर से लेके आके जो दूसरा वाला वायर है उसको मोटर में डायरेक्ट जोड़ दिए हैं। अब हम लोग चलिए इसकी टेस्टिंग करके आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए हम लोग यहाँ पे मोटर ऑन कर दिए हैं, अभी वाटर लेवल कम है, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं वाटर लेवल कम है, अभी पानी आ रहा है, वाटर लेवल जैसे ही धीरे धीरे ऊपर आएगा लगभग, देखिए मोटर जैसा भी देख सकते हैं मोटर हम लोग का बंद हो गया, और फिर वाटर लेवल जैसे धीरे धीरे घटेगा फिर मोटर ऑन हो जाएगा। तो देखे हैं जैसा कि हम लोग देखे हैं मोटर ऑटो कट किस तरह लगाया जाता है। अगर आप अपने घर पे लगाना चाहें इसको लगा सकते हैं, ये बहुत अच्छा ऑटो कट सिस्टम है और ये 100% सक्सेसफुली और बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा वर्क करता है। अगर हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें।